हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉडल सेट साइंस का। जी हाँ दोस्तों, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियली मॉडल सेट पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन देने वाला हूँ क्लास टेंथ का साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो दिया गया है इसका आंसर की यहाँ पे जारी जो आप लोगों को बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ और जो भी सब्जेक्ट का चाहते हैं ज़रूर कमेंट करें, मैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज के इस वीडियो में, जानते हैं 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसी तरह के आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह के 3-4 सेट और आएंगे इस चैनल पे, तो ज़रूर बने रहना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का जो है निगेटिव लिया जाता है। इस तरह का जो दर्पण होता है यहाँ पे जो फोकस दूरी होता है इसमें वो निगेटिव होता है, इधर प्लस होता है इधर निगेटिव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा एक का। दो नंबर है कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। जानते होंगे f बराबर r बाय 2, यानी फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये f बराबर r बाय 2 हो जाएगा दो का बी। तीन नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो जानते होंगे दोस्तों माध्यम का अपवर्तनांक जो है सबसे ज़्यादा होता है हीरा का, इसका 4.2 होता है। ठीक है, ये चार तीन का डी हो जाएगा। चार नंबर है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है, यानी निम्नतम दूरी है कितनी है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चार का जो है आपका बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर जो है सामान्य दृष्टि की स्पष्ट दूरी होती है। पाँच नंबर है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम झुकता है जानते होंगे दोस्तों भीमजोर होता है, जो आप लोग पढ़े हैं, तो ये सबसे जो कम झुकता है वो होता है आपका लाल। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊपर में होता है लाल और सबसे नीचे बैंगनी, तो सबसे अगर ज़्यादा झुकने वाला रहता तो यहाँ पे बैंगनी हो जाता, और क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि सबसे कम कौन झुकता है तो ऊपर में होता है लाल, वो सबसे कम झुकता है आपका, ये पाँच का सी हो जाएगा। छः नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को, तो निकट जो इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, निकट नी कट है। ठीक है, निकट मतलब लिखते हैं निकट तो अ आता है तो इसलिए अवतल होगा। दूर का बता देता हूँ, यहाँ पे दूर दृष्टि दोष रहता है तो दूर ऊ आता है दोस्तों, तो ऊ में यहाँ पे उत्तल हो जाएगा। ये इस ट्रिक से याद कर लो, काफ़ी आप लोग कभी नहीं भूलोगे। एक बार और बता देता हूँ, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट में अ आता है इसलिए अवतल, अगर दूर रहता दोस्तों तो दूर में आता है ना ऊ, दूर इसलिए उत्तल हो गया। ठीक है, यहाँ पे निकट है तो यहाँ पे अवतल हो जाएगा, छः का ए। तो उम्मीद है दोस्तों ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आ गया होगा और ये रट लिए होंगे, आज के बाद जो है कभी नहीं भूलोगे। मैं भी ऐसा ही याद किया हूँ इसी तरह से, कभी नहीं भूलता हूँ। देखिए आगे का क्वेश्चन है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी, इनमें से सभी पर करता है। ठीक है, सात का डी हो जाएगा आपका। आठ नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों ये होता है आपका वाट। ठीक है, वाट आता है। देखिए नौ नंबर क्वेश्चन है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का क्या मान है, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, यानी 3600 जूल, ये जो होता है उसको जो बदल देंगे एक यूनिट विद्युत ऊर्जा में तो ये आ जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल आ जाएगा। ठीक है, दस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है मतलब ये जो देखते हैं दोस्तों, ये ए बी और सी ये तीनों सत्य है। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, विद्युत जनित्र, ये जो है विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। चुंबकीय बल जो एक दूसरे को नहीं काटती है, ये भी सही है, लेकिन ये जो है बिल्कुल गलत है दोस्तों। हरे विद्युत रोधन वाले तार प्रायः विद्युतमय होते हैं, तार होता है, ये गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दस का डी एम। ठीक है, दस का डी हो जाएगा। ग्यारह नंबर है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, फ्लेमिंग के वाम हस्त जो पढ़े होंगे आप लोग, इसका जो मध्यमा यानी बीच की जो उंगली होता है वो होता है चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, इसको इंगित करता है चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा, ये 11 का सी हो जाएगा, मध्यमा संकेत करती है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर या फिर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर।
इसी में से दोनों में से कोई होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है, चुंबक के भीतर, ठीक है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रखो की दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, या रट लेना ही, चुंबक के भीतर में अगर पूछा जाए तो दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, नाभिकीय ऊर्जा का, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। 14 नंबर है कि काली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या होता है, काली चूना का जो रासायनिक अणुसूत्र है वो है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, ठीक है, कैथोड पर, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, वो होता है हाइड्रोजन, ये 15 का बी आपका राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा, देखिए दोस्तों बेकिंग केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, लेकिन NaHCO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, यहाँ पे राइट आंसर है 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये होता है अम्ल, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका ट्रिक भी है जो तो अनिल और क्षार, देखिए क्षार ये ट्रिक है, क्षार अगर लाल को तो को नीला कर देता है, लेकिन अम्ल जो है नीला को लाल, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये अनिल क्षार, दे अनिल के बारे में इधर से पढ़ेंगे, अम्ल के बारे में लेकिन क्षार से इधर, इसका ट्रिक मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है आपको अम्ल हो जाएगा, ठीक है। 17 का ये 18 नंबर है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, तो इसका राइट पीएच मान होता है 10.5 यानी 18 का डी। 19 नंबर है कि निम्न में कौन सा धातु चमकीला है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चमकीला है, तो 19 का जो राइट आंसर है आपका आयोडीन, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है, यहाँ पे बी सोडियम, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 6, ठीक है, 21 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर में चलते हैं, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका पर्याकृत्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ब्यूटेनॉन का, इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा कीटोन का, ठीक है, ब्यूटेनॉन तो कीटोन, ठीक है, कीटोन का ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। 23 नंबर है नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, ये पूछा जा रहा है बॉन्ड, यहाँ पे कितने बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन के दो परमाणुओं में, इसका जो राइट आंसर है आपका त्रिबंध होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्कीन, ठीक है, एल्कीन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, तो CnH2n होता है, ठीक है, एल्कीन का CnH2n। देखिए 25 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 25 का यहाँ पे ए, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, इसका राइट आंसर है 26 का ए, परमाणु साइज जो है बढ़ जाता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, तो ये 27 का आपका राइट आंसर यहाँ पे सी लाइपेज होता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है कितना होता है, ये आपका 120 मिलीमीटर होता है, ठीक है, यहाँ पे द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 मिलीमीटर। 29 नंबर है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, ठीक है, एक भोजन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी फ्लोएम द्वारा, फॉस से होता है फूड और फॉस से होता है फ्लोएम, तो इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है फ्लोएम, अगर जल यहाँ पे भेजा जाता तो ये जौ से जैलम और जौ से जल होता है, ठीक है, ये 29 का ए हो जाता अगर यहाँ पे जल भेजा गया है, यहाँ पे लेकिन भोजन बोल रहा है तो यहाँ पे फ्लोएम हो जाएगा आपका 29 का बी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि उस पौधा का नाम बताए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है, इसका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे गुलाब, ठीक है, यहाँ पे 30 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर की ओर चलते हैं कि कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है, कालाजार बीमारी, तो कालाजार बीमारी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे लेशमानिया, ठीक है, लेशमानिया के कारण होता है, बी हो जाएगा।
32 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, यहाँ पे 32 का हो जाएगा आपका ए गुलाब पुष्प, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में घ्राणग्राही होता है, घ्राणग्राही स्थित होता है कहाँ पे होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमन आर लोकेटेड इन, कहाँ पे होता है मानव में घ्राणग्राही, तो ये होता है आपका नाकों में, ठीक है, नाक में पाया जाता है, स्थित होता है। 33 का बी। 34 नंबर है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, किससे होती है ऐच्छिक क्रियाएं, वॉलंटरी एक्शन किससे नियंत्रित होती है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका परम मस्तिष्क से, सेरेब्रम से, ठीक है, सेरेब्रम से। 35 नंबर है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय, कहाँ से स्रावित होता है, इसका जो राइट आंसर है आपका पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से। 35 का ए। 36 का क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है, आनुवंशिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, किसने दिया था ये, या किसने ये प्रतिपादित किया था, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ए मेंडल के द्वारा, ठीक है, मेंडल हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये क्या होता है दोस्तों, एक्स एक्स होता है, ठीक है, ये 37 का बी आपका हो जाएगा। 38 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है, ठीक है, कचरे के बारे में पूछा जा रहा है, जो जैव निम्नीकरणीय कचरा है, जो उसको बार बार किया जा सकता है, तो 38 का ये आपका राइट आंसर यहाँ पे टिश्यू पेपर, ठीक है दोस्तों, टिश्यू पेपर हो जाएगा। 39 नंबर है कि आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो ये हो जाएगा आपका बिहार का, ठीक है, बिहार इसका राइट आंसर है। लास्ट का आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, और जो भी कुछ चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके रखना, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।